ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कत फ़ाजफ़ौज़न अज़ीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबालमीन के लिए लायक और जेबा है सलाम नाजिल हों के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आख़री नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महतरम हाजरीन व काम जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है इसमान पर अब तक आठ खुतबे हो चुके हैं और तेईस बातें बीस पर तीन काम ऐसे बताए गए हैं जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है इस सिलसिले का आज ये नौवां खुतबा है और चौबीसवा काम चौबीसवीं बात जिससे हम और आप को बचना ज़रूरी है वो है गुलू गलू किसे कहते हैं किसी भी मामले में हद से आगे निकल जाना हद से आगे निकल जाने को गुलू कहते हैं इंसान किसी से मोहब्बत करता है मोहब्बत की एक लिमिट है वो लिमिट के अंदर है तो जायज़ है वो लिमिट के बाहर गए तो गलू हो जाता है किसी से नफ़रत करता है नफ़रत करने का अख्तियार है किसी मसले में लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो ये गुलो है दीन में भी गुलो हराम है दीन में भी गुलो से मना किया गया है अल्लाह तबारक ताल ने इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाया ये मतदिल उम्मत है इफरात और तफरीत से पाक है इफ़रात कहते हैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना तफरीत कहते हैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाना तो ना हमको पीछे रहने की ज़रूरत है ना आगे रहने की ज़रूरत जो लिमिट है जो दायरा है उसी दायरे के अंदर हमको रहना है इसी का नाम ईमान है इसी का नाम इस्लाम है और इसी को मोमिन और मुसलमान कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व लि जअलनाकुम नाकुम उम्मत हमने तुमको एक उम्म वसत बनाया एक मतदिल उम्मत बनाया है जो अफरात और तफरीद से पाक है पिछली कौमें जो गुमराह हुईं उसके बहुत सारे इसबाब थे जिसमें से एक सबब ये था कि वो लोग इफरात और तफरीद के शिकार हो गए बाज़ लोग किसी मोहब्बत में आगे निकल गए और बाज़ लोग नफरत करके नबियों का इनकार कर दिया अल्लाह तबार को ने फरमाया है कि लोगों अपने आप को गलू से बचाओ व कज़ाली का जालना कुम उम्मत हमने तुमको एक उम्मत वसत बनाया और अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कुमु वफ्दीन लोगो दीन में गलू करने से अपने आप को बचाओ फ़ैन नमा हल का मनकान कबल कुमु फिद्दीन इसलिए कि तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने दीन में गलू किया और वो हलाक हो गए ये सही मुस्लिम की हदीस है एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमा हल अक़ल मतन ओन कहते हैं किसी भी चीज़ में आगे निकल जाना चाहे वो इबादत ही का मामला हो इबादत में भी एक लिमिट है वो लिमिट से आगे गए तो आप हलाक हो जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे अम्बिया कराम के बारे में भी यही हुक्म है कि अल्लाह ने उनको जो मकाम दिया है उसी मकाम पर उनको रखें हैतलात वाम है ईसा सलातम ये सब अल्लाह के पैगंबर हैं लोगों ने इनकी मोहब्बतों में गुलू का मामला अपनाया जिसकी वजह से लोग हिलाक हो गए यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह दिया कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं नसरानियों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया और वो हिलाक हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़तरा महसूस हुआ कि मेरी उम्मत भी पिछली उम्मतों की तरह से मेरी मोहब्बत में गलू न करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है ला ततरूनी कमा अतरत आई साहिब इब्न मरियम अय मेरी उम्मत के लोगों मेरे बारे में तुम गुलू नहीं करना जैसा कि ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम के बारे में किया फ़ैन नमा अब्दुलफ़कूल व अब्दुल्ल व रसूल हो मैं अल्लाह का बंदा हूँ मुझे अब्दुल्ला कहो रसूल कहो मुझे अल्लाह का बंदा कहो अल्लाह का रसूल कहो लेकिन ये उम्मत नबी की मोहब्बत में गलू का शिकार हो गई बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए और मोहब्बत में गुलू के शिकार हुए आपका मकाम अल्लाह से बढ़ा दिया कहा तो के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मोहब्बत में लोगों ने गुलू किया तो कहा वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर ये गुलू नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलू किया तो क्या कहा आप सियाहो सफ़ेद के मालिक हैं आप अगर चाहें तो सब काम हो सकता है आप चाहें तो लोगों का बेड़ा पार कर दें आप चाहें तो सबको जन्नत में पहुंचा दें आप गैब का और हाजिर का इलम रखते हैं आप मुश्किल कुशा हैं आप हाजत रवा हैं ये नबी की मोहब्बत में ग़ुलू है किसी भी नबी को ये अख्तियार नहीं दिया गया मुश्किल कुशा हाजत रवा गैब का इल्म रखने वाला नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है तो इस तरीके से लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गुलू किया लोग इबादत में गुलू करते हैं आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबोई में आए देखा कि दोनों खम्भों के दरमियान एक रस्सी बधी हुई है आपने पूछा ये रस्सी कैसी बधी है मस्जिद में तो सहाबा ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल यह हज़रत जैनब की रस्सी है कहा मस्जिद में क्यों बाधा गया कहा वो रात में इबादत बहुत करती हैं और जब वो थक जाती हैं और नींद का गलबा हो जाता है तो रस्सी पर टेक लगा करके नमाज पढ़ती रहती हैं प्यारे नबी ने फरमाया कि रस्सी को खोल दो और ज़ैनब से कहो कि जब तक नशात है इबादत करें और जब थक जाएं और नींद का गलबा हो जाए तो जाके सो जाया करें इसलिए कि सोना भी इबादत है, तो नमाज में भी गलों नहीं करना चाहिए अल्लाह के नबी वसल्लम हालत हिराम में हैं और आपने जमरात को मारने के लिए कंकरियाँ लाने का हुक्म दिया रसूल कहते हैं कि मैंने इतनी छोटी कंकरी दी जो दो उंगलियों के दरमियान पकड़ी जा सकती थी यानी चने और मटर के बराबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही कंकरियाँ सही और दुरुस्त हैं यही कंकरियाँ सही और दुरुस्त हैं जमरात को मारने के लिए यानी बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना जूते और चप्पल का इस्तेमाल करना सही नहीं है लेकिन लोगों ने गुलू किया जब वहां जाते हैं और जमरात को मारते हैं। जमरात एक शियार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया है तो हैत इब्राहिमसल्लाम ने इस पर अमल किया है लेकिन वहां जाते हैं लोग जोश में आ जाते हैं और यह समझते हैं कि शैतान को मार रहे हैं बाज लोग जूते निकाल कर मारते हैं चप्पल निकाल कर मारते हैं बड़े बड़े पत्थरों से मारते हैं यह गलत है हल अकमतन गुलू करने वाले तशद करने वाले हिला हो गए तबाह हो गए बर्बाद हो गए आप हर मामले में गुलू करने से मना किया वजू करते हैं वज़ू के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है नमाज के लिए वज़ू शर्त है आपने फरमाया एक बार अपने हाथों को चेहरों को पैर को धो एक एक बार अगर मुनासिब हो दो बार भी धो सकते हैं लेकिन ज्यादा मैक्सिमम तीन बार तीन बार से ज्यादा नहीं धो सकते हैं। आप गौर करें कि वो वज़ू जिसके बगैर नमाज नहीं है लेकिन हमारे नबी ने गलू करने से मना किया कहा तीन मरतबा से ज्यादा अगर कोई वजू करता है तीन मरतबा से ज्यादा अपने आज़ा को धोता है प्यारे नबी ने फरमाया कि उसने सरकशी की वो आगे बढ़ा नबी की सुन्नत का इनकार किया वजू जैसी चीज़ में गलू करना दुरुस्त नहीं है एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि आए अल्लाह के रसूल कभी कभी हम समंदर पर बैठे होते हैं और वहाँ हम ल करते हैं या वजू करते हैं क्या वहाँ भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो सहाबा ये समझ रहे थे कि शायद अल्लाह के नबी ने तीन मरतबा जो धोने का हुक्म दिया वो क्नात की वजह से पानी कमी की वजह से कहा अल्लाह के रसूल हम समंदर पर बैठे रहते हैं वहाँ भी ऐसे हाँ वहाँ भी ऐसे ही करना बाकी पानी को छोड़ दो गलू नहीं करना है वज़ू में भी गुलू नहीं करना है वो वज़ू जिसके बगैर नमाज नहीं होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में थे देखा कि एक शख्स जो है बाहर खड़ा हुआ है धूप में है उसने अपने आप पर सख्ती कर ली हमारे नबी ने पूछा दौरान खुतबा कि वो कौन है जो बाहर खड़ा हुआ है साहबा ने बताया कि अल्लाह के रसूल वो फना शख्स है उसने नजर मानी है कि वो धूप में खड़ा रहेगा धूप में रहेगा खड़ा रहेगा बैठेगा नहीं आप वसल्लम ने फरमाया उसको बोलो अंदर आए अंदर आया हमारे नबी ने कहा कि तुम धूप में क्यों खड़े हो बाहर क्यों खड़े हो तो कहा अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी है कि मैं खड़ा रहूंगा मैं धूप में रहूंगा मैं सवारी का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि धूप से छाँव में आ जाओ खड़े मत रहो बैठ जाओ सवारी का इस्तेमाल करो ये सारी चीज़ें गुलू में दाखिल हैं बहुत सारे लोग तपस्याओं को बहुत सारे लोग मुसीबतों को इबादत समझते हैं नमाज पढ़ना है अल्लाह तबारक तआला ने हमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया प्यारे नबी ने फरमाया कि खड़े होकर पढ़ो खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो कमज़ोरी है बूढ़े हो गए हो बैठ कर पढ़ लो बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो लेट कर आप बीमार हैं आप चारपाई पर पढ़ लो ये सहूलत है शरीयत ने इजाजत दी है अब बहुत सारे लोग गुलू करते हैं एक पैर पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, किसने कहा आपको और और बेवकूफ अवाम क्या समझती है कि वो आदमी वो आदमी बहुत बड़ा वली है वली नहीं वो शैतान है उसने दीन में गुलू किया नबी की सुन्नतों की मुखालिफत की हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता ये दीन में गुलू है दीन तपस्याओं का नाम नहीं है दीन इस्लामी वसूलों पर अमल करने का नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज के मुतालिक फरमा रहे थे या عليكم الحج कुमुलजो लोगो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया है लिहाजा तुम हज करो एक सहाबी ने पूछा अफीकुल् मिनिया रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या हर साल फर्ज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे सहाबी ने फिर पूछा आप खामोश रहे सहाबी ने फिर पूछा आप खामोश रहे थोड़ी देर के बाद आपने फरमायाल कहाँ है वो शख्स जो सवाल कर रहा था साहबी रसूल ने कहा हजूर मैं सवाल कर रहा था कहा आपने अगर मैं नाम कह देता कि हाँ हर साल फ़र्ज है तो तुमको हर साल हज फर्ज करना करना पड़ता और तुम कहीं नहीं कर सकते थे तो कुछ लोग दीन के मामले में सवाल करके गुलू के शिकार हो जाते हैं हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए इसी तरीके से बहुत सारे लोग दुआ में गलू करते हैं हमें क्या ज़रूरत है अल्लाह से मांग लेना अय अल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर बना दे हमारी आखरत बेहतर बना दे कबर के सवाल जवाब को आसान कर दे महशर की तपिश से हिफाजत फरमा जन्नत नसीब फरमा जहन्नम की होलनाकियों से हिफाजत फरमा बस काफ़ी है लेकिन इंसान दुआ में गलू करता है एक एक घंटे तक दुआ करता है और दुआ में उसको जो चीज़ चाहिए ख़ास चीज़ों का सवाल करता है अरे भाई आपको सवारी की ज़रूरत है अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे एक सवारी की ज़रूरत है मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम कर दे आप अल्लाह से दुआ करते हैं मुझे मर्सिडीज़ चाहिए मुझे बी चाहिए गलत है गलत है बहुत सारे लोग दुआ में गुलू करते हैं दुनिया के मामले में भी आखरत के मामले में भी एक सहाबी ने देखा कि उनका बेटा दुआ कर रहा है और दुआ के दरमियान कह रहा है कि अय अल्लाह मैं जब मैं जन्नत में दाखिल हूं तो तेरे अर्श की तरफ जो सफेद महल है वो मुझे अता करना सहाबी ने देखा कहा बेटा अल्लाह से सफ़ेद महल मांग रहा है वो भी अल्लाह के दाहिनी तरफ कहा बेटा ये सब गुलू है ये सब गुलू है अल्लाह से जन्नत का सवाल करो जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो बहुत सारे लोग दुआ में गलू करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो बेकार की चीजें हैं हमें उनका सवाल नहीं करना चाहिए बस हमें हमारी ज़रूरत है अल्लाह जिंदगी इससे बेहतर दुआ क्या होगी रबना आतीना फिर दुनिया हसन वफ़िल आखिरत हसन वकीन और अल्लाह के नबी सल्ह वसलम काबतल्ला का तवाफ कर रहे हैं सबसे मुक़दस सरजमीन है मुक़दस जगह पर हैं और रुकने ये मानी हजर असवद के दरमियान हैं उस वक्त आपने इस दुआ का अहतमाम किया रब बना आतिना फिर दुनिया हसन वसना वकीन हमारी दुनिया को बेहतर बना दे आखरत को बेहतर बना दे जहन्नम के आजाब से बचा ले बस और क्या चाहिए दुनिया बेहतर हो गई जन्नत मिल गई आखरत के अजाब से बच गए बस और क्या चाहिए लेकिन इंसान की आदत है वो कुरेद कुरेद करके दुआ में भी गोलू करता है दुआ में गोलू करने से परहेज़ करना चाहिए इसी तरह बहुत सारे लोग दावत दीन का काम करते हैं लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं वो भी गुलू से काम लेते हैं हमारा काम क्या है बता देना इतनी बड़ी जमात है हमारे सामने इतनी बड़ी जमात है हजारों की तादाद में खौतीन भी हैं बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं जवान भी हैं हर तरह के लोग हैं काले गोरे हर हर कोई है हमारा काम क्या है दीन की बातें बता देना अगर आप मानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको फायदा होगा अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे यह अख्तियार नहीं दिया गया है कि मैं आपको जबरदस्ती मनवाऊं नबी को भी यह अख्तियार नहीं दिया गया था नबी को भी यही हुक्म दिया गया था फौज ंत मुजिर लस्त अम बेमुस तिर नबी आप लोगों को नसीहत कीजिए अंत मुजिर आप नसीहत करने वाले हैं लस्ता अल बे आप उनके ऊपर दरोगा नहीं है कि जबरदस्ती अपनी बात मनवाए और अल्लाह ने फरमाया ला इक हाफ दिन दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है आप अपनी बात बता दें बताना हमारा काम है हिदायत देना Allah का काम बाज लोग गुलू करते हैं उनकी बात कोई नहीं माना तो दुश्मनी कर लेते हैं उनकी बात कोई नहीं माना तो दावत तबलीग करना छोड़ देते हैं बहुत सारे नबी दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिन पर मानने वाले जिनको ईमान लाने वाले जिन पर बहुत लोग थे अल्लाह के नबी ने देखा कि मैंने देखा कि बाज नबी हैं जिनके साथ चंद लोग हैं नबी को मैंने ऐसा भी देखा कि उनके साथ एक या दो लोग थे कुछ नबी को मैंने ऐसा भी देखा कि उनके साथ कोई नहीं था तो वो नबी जिनके ऊपर कोई एक आदमी भी ईमान नहीं लाया क्या उन्होंने दावत का हक नहीं अदा किया अदा किया उनको उनका सवाब मिल गया कोई ईमान नहीं लाया तो उसका मां मिला है हमारा काम है लोगों को बताना आज हमारे नौजवानों को मैं बार बार यही बात कहता हूं दीन की बातें आप जानते हैं आपके जज्बात की आपके तड़प की मैं कद्र करता हूं, लेकिन लोगों को बताना बताना आपका काम है मनवाना आपका काम नहीं है हमारे नौजवान उलझ जाते हैं लड़ाई कर लेते हैं मुनाजरे का चैलेंज ये सब आपका काम नहीं है आप सही से बात बता दें कोई मानता है अच्छी बात है नहीं मानता है आपको सवाब मिल गया बहस ना करें झगड़ा न करें गाली गुलूज न करें मुनाजरे का मुबाहले का चैलेंज ना करें यह आपका काम नहीं है लोग गुलू करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सबक दिया है यस्रो वला तसरु बदशरु वला तब लोगों आसानियां पैदा करो सख्तियां ना पैदा करो बदशरु वला तबसरु लोगों को बशारतें दो लोगों के ऊपर नफ़रत ना बदशरु वला तफ़िर बशारतें दो लोगों के अंदर नफ़रत ना पैदा करो सख्ती करने से इंसान मतशद हो जाता है सख्ती करने से इंसान दावत को कबूल नहीं करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मोहब्बत से समझाते थे अखलाक से समझाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा की मौजूदगी में एक शख्स ने आकर के मस्जिद नबूई में पेशाब कर दिया अल्लाह के नबी ने आला अखलाक का मुजाहरा करते हुए उसको बुलाया कहा देखो ये मस्जिद है यह अल्लाह का घर है यहाँ हम इबादत करते हैं कुरान की तिलावत करते हैं यहाँ गंदगी फैलाना मुनासिब नहीं है हमारे सामने अगर कोई मस्जिद में ऐसी हरकत करे हम हम जज्बात में आ जाते हैं हम भड़क उठते हैं हमारे हाथ उठ जाते हैं हम लोगों के ऊपर जुल्म करने लगते हैं यह तरीका सही नहीं है बस शुरु वला तो न फिर बशारतें देने वाले बनो नफरतें मत फैलाओ यश वला तो असरु आसानियां पैदा करो सख्तियां न पैदा करो इसलिए लोगों को चाहिए कि जो दावत तबलीग के मैदान में काम कर रहे हैं अपने अंदर नरमी पैदा करें अपने अंदर आला अखलाक पैदा करें लोगों को बशारतें सुनाएं लोगों के साथ नरमी से पेश आएं सख्तियां करने से परहेज करें बताना हमारा काम है समझाना हमारा काम है हिदायत देना दिल में बैठा देना यह अल्लाह का काम है मेरे भाइयों पच्चीसवीं चीज जिससे हमें अपने आप को बचाना है बेगुनाह लोगों के ऊपर तोहमत लगाना आप आपको किसी से दुश्मनी हो गई आपने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया शौहर ने बीवी को नापसंद किया बीवी के ऊपर इल्जाम लगा दिया बीवी ने शौहर को नापसंद किया शोहर के ऊपर इल्जाम लगा दिया ये गलत है इतिहाम तोहमत लगाना किसी को गुनहगार साबित करना जबकि वो गुनहगार नहीं है ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सात गुनाहों का तस्करा किया जिसमें आपने फरमाया कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो उसमें से एक ये भी है बेगुनाह खवातीन पर मोमिना मोहसना अल्लाह वाली भोली भाली नेक खवातीन पर इल्ज़ाम लगाना आपको आपकी बीवी पसंद नहीं है आप तलाक दे दीजिए मसला खत्म बीवी है अपने शोहर को नापसंद करती है खुला ले लें शर्यी एतबार से उसको हक है लेकिन इल्ज़ाम लगाने की क्या जरूरत है बीवी को नापसंद करता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देता बीवी शौहर को नापसंद करती है उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है अल्लाह तबारक ने इससे मना किया ये मोमिनों का काम नहीं है अल्लाह ने फरमाया, फरमादी अरमून अलमुहसनात जो लोग पाक दामन औरतों पर इतहाम लगाते हैं तोहमत लगाते हैं ब्याार फिर वो चार गवाह नहीं पेश कर सकते हैं फज ली दूहम फमानी न जलदा उनको अस्सी कोड़े मारे जाएंगे वला तकबलू लहुम शहाद अबदा और उनकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी उलाई कहम ये फासिक लोग हैं सुरे नूर की आयत है जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कितने गवाह पेश कराएं चार गवाह अगर चार गवाह नहीं पेश करेंगे तो ऐसे लोगों को अस्सी कोड़े मारे जाएंगे उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और ये लोग फासिक लोग हैं इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नूर में एक और आयत में फ़रमाया इन नदीन यरमून अलमोहसना मुमिनात। बेशक जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इतहाम लगाते हैं पाक दामन औरतों पर भोली भाली औरतों पर मोमिना औरतों पर लोअनोफी दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी उनके ऊपर लानत है आखरत में भी लानत है वलहुम लहुम आजाब और उनके लिए बड़ा अजाब है औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना किसी की बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना किसी की माँ के किसी की बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना गलत है लेकिन ये मामला चल रहा है पहले भी चलता रहा आज भी चलता रहा पाक दामन औरतों को बदनाम करना अरे लोगों ने मरियम को नहीं छोड़ा हजरत मरियम है सलात व तस्लीम हजरत ईसा अली सलात सलाम की वालिदा, जिनके ताल्लुक से मैंने पिछले दर्श में बताया था हैत मरियम को जब बच्चा पैदा हुआ है तो ईसास्म की विलादत हुई लोगों ने कहा कि मरियम के यूसुफ नजार से गलत ताल्लुक थे लोगों ने ऐसी पाकिजा औरतों को नहीं छोड़ा अल्लाह तला ने कुरान मजीद में आयत उतारी अहसनत फरजहा मरियम वो हैं जिन्होंने अपने शर्मगा की हिफाजत की है लोगों ने मरियम को नहीं छोड़ा इल्ज़ाम लगाया कि यूसुफ नज्जार के साथ इनके गलत ताल्लुक थे और ईसा की जो पैदाइश हुई है ये हराम है लोगों ने किसको किसको छोड़ा हमें तुम्हें क्या छोड़ेंगे मेरे भाइयों और आगे बढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकिजा बीवी बानफीस बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ता पर भी तहमत लगाया गया आप एक मैदान में एक जंग में गए थे वापस आ रहे थे आपने क़याम किया वापसी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् तला किसी काम के लिए गई थी काफ़िला रवाना हो गया हौदज को ऊट पर रखा गया लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि इसमें आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह त नहीं है थोड़ी देर के बाद वापस आई काफ़िला जा चुका था उसी जगह पर बैठ गई नींद लग गई सफवान इबन मतल रज़ी अल्लाह तैाल सहब रसूल हैं ये जंग में हमेशा पीछे रहते थे अल्लाह के नबी सल्ला वसम और आपके काफ़िले के चले जाने के बाद ये वापस आए देखा कि हजरत

ऊपर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह सवार हैं मेरे भाइयों दुश्मन को एक मौका चाहिए बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए मुनाफिकों ने देखा सफ़ान इबन मतल ऊंट की नकील पकड़ कर चल रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तहा ऊंट पर बैठी हुई हैं मुनाफिकीन ने ऐलान कर दिया हजरत आयशा के नाजायज ताल्लुक हैं सफ़ान इबन मतल पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी हम सोच नहीं सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले में जल्दी मिंबर का इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन जब आपकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया मेरे भाइयों दुखती रख पर उंगली रखती गई अल्लाह के नबी परेशान हो गए और आप उसी परेशानी के आलम में आए मम्बरे रसूल पर कदम रखा साहब कराम सामने मौजूद हैं आपने कहा दुश्मनों की दुश्मनी की इंतहा हो गई अभी तक लोग हमें तकलीफ पहुंचाते थे अब इनकी तकलीफ से हमारी घरवालिया भी महफूज नहीं है उमर बिन खड़े हुए कहा किस नाहकी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाया है उसकी गर्दन काटकर मैं आपके कदमों में रख देता हूं प्यारे नबी ने फरमाया नहीं उम्र नहीं लोग कहेंगे नबी अपने साथियों का कत्ल करवाने लगा मेरे भाइयों ये कौम किसको छोड़ी है हज़रत मरियम को नहीं छोड़ी हजरत आयशा सिद्दीक़ा को नहीं छोड़ी हमारी तुम्हारी बहु बेटियों को क्या छोड़ेगी मेरे भाइयों लोगों की हालत है लोगों की आदत है लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं मर्दों पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है औरतों पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कभी कभी वाकया सही भी रहता है मेरे भाइयों अगर वाक़ ऐसा है तो उसका सिचुएशन उसकी उस उसका हल भी शरीय में मौजूद है अल्लाह के नबी सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम बिलाल बिन उमैया है सही बुखारी की हदीस है इन्होंने अपनी बीवी को एक गैर मर्द के सामने दे, देख लिया साथ में देख लिया जिसके साथ देखा था उनका नाम शरीक बिन सहमा है सही बुखारी की हदीस है बिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी को शरीक बिन सहमा के साथ गलत काम करते हुए देख लिया अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी को मैंने शरीक बिन सहमा के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा है प्यारे नबी ने फरमाया चार गवाह पेश करो अगर चार गवाह पेश नहीं करोगे तो तुम्हारे पीठ पर दुर्रे लगाए जाएंगे कोड़े लगाए जाएंगे बिलाल बिन बिनिया ने कहा हुजूर ये कैसा मामला है एक आदमी अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखेगा तो वो चार गवाह लाने जाएगा हुजूर ने फरमाया बिलाल मैं जानता हूँ तुम गैरतमंद हो लेकिन मैं तुमसे ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह हमसे ज्यादा गैरतमंद है ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है अल्लाह ने फरमाया वलैन यमून मुहसनात जो पाकिजा औरतों पर पा दामन औरतों पर लगाते हैं तू फिर वो चार गवाह नहीं लाते हैं, फजली दू जल्दा तो उनको कोड़े मारे जाएंगे ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है ये रब्बे रबाल का बनाया हुआ कानून है अगर किसी औरत पर इल्जाम लगाया गया तो चार गवाह पेश करना पेश करोगे तो ठीक वरना तुम्हारे पीठ पर अस्सी कोड़े मारे जाएंगे है बिलाल परेशान हुए कहा एक तो मेरी बीवी की इज्जत लुट गई मेरी बीवी गलत है दूसरे मैं चार गवाह कहाँ से लाऊं तीसरे मेरे ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे अरे ये मामला क्या है मेरे भाइयों अल्लाह तबार को ने आयत उतारी जिसको आयत लियान कहते हैं हर चीज का हल इस्लाम में है इस्लाम का मताल करो सही वलमा के साथ बैठो दीन सीखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल बिन बिनुमैया से ये गुफ्तगू कर रहे हैं आयत लेन उतरी आयत लेन किसे कहते हैं एक शौहर ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ काम करते हुए देख लिया चार गवाह पेश नहीं कर सकता है तो उसका तरीका यह है काजी बैठेगा एक तरफ मर्द खड़ा होगा दूसरी तरफ औरत खड़ी होगी मर्द चार मरतबा कसम खाएगा कहेगा अल्लाह की कसम मैंने अपनी बीवी को फला आदमी के साथ काम करते हुए देखा है गलत काम करते हुए देखा है चार मरतबा कसम खाएगा और पांचवी मरतबा कहेगा अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत इसी को आयत ले कहते हैं अब मर्द ने ये कसम खा ली अब वो बरी हो गया अब अगर औरत इकबाल जुर्म कर लेती है तो उसको रजम किया जाएगा और अगर वो भी इकबाल जुर्म नहीं करती है बल्कि वो भी कसम खाती है चार मरतबा कसम खाती है अल्लाह की कसम फला आदमी के साथ मेरे गलत ताल्लुक नहीं हैं चार मरतबा कसम खाएगी पाँचवीं मरतबा कहेगी अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है अगर वो कर लेती है तो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दी जाएगी शौहर बीवी दोनों अलग अलग कर दिए जाएंगे ये फैसला काद करेगा दोनों को कोई सजा नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया बाद में उस औरत को जो बच्चा पैदा हुआ जो इल्जाम लगाया था बिलाल बिन ने वो सही और दुरुस्त था लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह लेआन ना उतारी होती तो मैं उसको सजा देता लेकिन वो अपने आप को सज़ा से बचा ली मेरे भाइयों इसी तरीके से 26वां काम जिससे हमें अपने आप को बचाना है हलाला करना हलाला ये एक मलरून चीज़ है लेकिन जब लोग सुन्नतों से दूर हो जाते हैं जब किताबुल्लाह का इल्म नहीं रह जाता है, तो ऐसे गलत हरकतें करते हैं ये मुखल्दीन जिन्होंने अइमा की तकलीद की है ये काम उन्हीं के यहाँ है आपको मैं बताते चलूँ जब इंसान मुखलद हो जाता है तो उसकी अक्ल मुंजमद हो जाती है वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है मेरे भाइयों मुखलद मत बनो मुत्तबे सुन्नत बनो मुत्तबे सुन्नत बनो मुखलद के पास अक्ल नहीं होती है मुखलद अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इमाम ने कह दिया करना है तो करना है अब उसको अपनी अकल के इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं है जो मुतब सुन्नत होता है नबी की हदीसों को पढ़ता है कुरान की आयतों को पढ़ता है कुरान की आयत और हदीस के मुताबिक अमल करता है लेकिन जो मुखलद होता है कहता है कुरान की आयत अपनी जगह पर हदीस अपनी जगह पर हमारे इमाम ने जो समझा है वही हम करेंगे इसको मुखलद कहते हैं मेरे भाइयों ये हलाला मुखल्दीन के यहाँ है मेरे भाइयों एक आदमी अपनी बीवी को गुस्से में आकर तलाक दे देता है गलती किसने की मरद ने की गुस्से में आकर तलाक दे दिया उसके बाद अपने इमाम के पास गया काजी के पास गया कहता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई है दोबारा उससे मिलने के लिए क्या करना है हलाला करना यह है तकलीद जब नबी की सुन्नतों को ठुकराओगे जब कुरान की आयतों को ठुकराओगे जब सुन्नत रसूल से दूर हो गए तो ऐसे ही गुनाहों में पढ़ोगे मादसा मिन कौमिन बिलातुल्लाफिया मिन सुन्ना जब किसी कौम में कोई बिदात आ जाती है तो वहां से सुन्नत ख़त्म हो जाती है मेरे भाइयों ये फैसला कौन करता है कोई आम आदमी नहीं करता है साहिब जुब दस्तार करते हैं जिनको लोग मुफ्ती जानते हैं जिनको लोग अल्लामा कहते हैं जिनको लोग काजी कहते हैं उनके पास इल्म तो है नहीं वो तकलीद के मारे हुए इमामों की बात करने वाले इमामों के पीछे चलने वाले इमामों की तकलीद करने वाले कुरान का इल्म नहीं है हदीस का नहीं है और वो फैसला करते हैं पैसे भी लेता है मेरे भाइयों क्या कोई मुसलमान इस गैरत को बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी किसी दूसरे के पास जाए गुनाह तो मर्द ने किया सजा औरत को मिल रही है अक्ल कहती है दिमाग कहता है ये काम गलत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया लाना अल सल्लाम वल वलमल लहो अल्लाह के नबी ने उस शख्स के ऊपर लानत फरमाई है जो हलाला करता है उसके ऊपर भी लानत फरमाई है जिसके लिए हलाला किया जाता है मेरे भाइयों ये गुनाह कौन करता है ये गुनाह जो बहुत दस्तार करवाते हैं जिनको लोगों ने अपना इमाम माना है जिनको लोगों ने अल्लामा का लकब दिया है वो लोग ये गुनाह करवाते हैं डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से कल क्यामत के दिन क्या मुंह दुखाओगे मेरे भाइयों जब लोग परेशान होते हैं और जब वहाँ से ये फैसला सुनते हैं कि मेरी बीबी को एक दो दिन के लिए किसी दूसरे के पास भेजना है जो गैरतमंद होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं हमारे यहाँ आते हैं मेरे भाइयों बगैर किसी एज पेज के ये बात कहने में हमें खुशी महसूस हो रही है हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तबलीग करने वाले हैं हम उसको कुरान की आयतें बताते हैं नबी की हदीस बताते हैं कहते हैं हलाला करने वालों पर अल्लाह तबारक तआला ने लानत फरमाई है कहते हैं इसका हल क्या है उनको हल बताया जाता है वो कबूल करते हैं फिर उनको बताया जाता है अपने मकसद के लिए दीन को इस्तेमाल करना अपने मकसद के लिए हमारे यहां आकर के अपना मसला हल करना बीवी के लिए बीवी को हासिल करने के लिए ऐसा करना यह सही नहीं है अगर आपको ये मसलक पसंद है आपको ये जमात पसंद है तो आप शराह सदर से कबूल करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हुई है हमारी जमात जो बढ़ रही है इन्हीं इन्हीं चीज़ों की वजह से क्यों यहाँ सेफ है यहाँ प्योरिटी है यहां इस्लाम के वो लबे लबाव हैं जो डायरेक्ट किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से लिए जाते हैं यहाँ कोई एज पे नहीं है यहां किसी को गुमराह नहीं किया जाता है यहां सीधी साधी बातें बताई जाती हैं और जो अक्लमंद लोग हैं जिनको अल्लाह हिदायत देना चाहता है अल्लाह हिदायत दे रहा है यह बढ़ती हुई जमात मेरे भाइयों इन्हीं के जरिए से और इन्हीं तालीम की वजह से यह जमात बढ़ रही है हलाला करना हराम है हलाला करवाना हराम है उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तु कहते हैं अल्लाह के नबी सला ने एक बार फरमाया कि मैं तुम्हें किराए के सांड के बारे में कुछ ना बताऊं साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए आपने फरमाया कि वो शख्स जो हलाला करता है किराए का सांड हलाला करता है हालांकि अल्लाह तबार को तला ने हलाला करने वाले पर हलाला करवाने वाले पर दोनों पर लानत फरमाई है मेरे भाइयों शरों बस्त के साथ ये बातें कही गई हैं जिसमें किसी तरह का कोई एच पेच नहीं है ये 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 किताबुल्लात रसूल की पाकिजा तालीमत हैं जिससे आम लोग नावाफ हैं मेरे भाइयों मैं आपसे अपील करता हूँ दीन को सीखो दीन को सीखो वलमा से सीखो उन वलमा से सीखो जिनके पास अल्लाह की किताब का है जिनके पास नबी की हदीस का इल्म है वो वलमा नहीं जो आपको गुमराह करते हैं वो वलमा की बहु बेटियों की इज्जतों को नीलाम करते हैं औो किताबुल्लाह की तरफ अन्नत रसूल की तरफ यहीं से हमको इज्जत मिलेगी हरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह कहा करते थे लाज इस्लाम हमको सिर्फ इस्लाम से इज्जत मिल सकती है यह इस्लाम की वो छावनी है जहां पर आप इज्जत के साथ रहेंगे आपकी घरवालियाँ इज्जत के साथ रहेंगी और इतवा रसूल को छोड़ेंगे तकलीद में जाएंगे ना आप महफूज होंगे ना घर की बीमिया महफूज होंगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को हक बात कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए बेहयाई बेशर्मी बेगैरती, बेइज्जती से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रब्बना तकब्बल मन्ना इ न कांत समय उलिम वतुबलैना न कांतः तोबरम बहमति का या अरहमर राहिमीन नाम الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد इब्राहिम कमाबारक इब्राहीम वली ब्राहीम इनक हमदीद मनसुर मुन् नसरदीन महमदिन सल वसलम वजालम वखदुलमन ख़लदीन महमदिन सल वस ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه